Hey everyone, welcome back to my channel JS Fashion. So guys, we are going to Goa. So extremely excited because बहुत सारे ऐसे reason है Goa जाने के. First जो है वो मैं first time Goa जा रही हूँ. And then second है मुझे काफी दिनों बाद office से अपने छुट्टी मिली है, तो मैंने 4 दिन की CL ली है, तो उसका मैं fully use करूँगी और अपने mood को fresh करूँगी. And then third है Valentine Day आ रहा है, तो हम अपना Valentine वही celebrate करेंगे. And fourth है surprise है guys, वो बहुत हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा special day है. तो अगर आप मेरे video को continue देखते हैं तो आप देखते रहे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा. सो गाइज, अभी है 9 PM और 10 Feb है आज, और कल हमारी सुबह 10 बजे की फ्लाइट है. तो हम यहाँ भोपाल से इंदौर के लिए निकलेंगे, क्योंकि हमारी इंदौर से फ्लाइट है डायरेक्ट गोवा के लिए. तो अभी मुझे सारी पैकिंग करनी, क्योंकि हमें सुबह और द डिले लिस्ट के स्टार्टेड विद द वीडियो. सो गाइज, जितनी भी मैंने गोवा ट्रिप के लिए पैकिंग की है, वो वेदर को लेकर ध्यान में रखते हुए मैंने की है, क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 26-27 होगा समथिंग. तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने सारे क्लॉथ्स एंड और कुछ सामान रखे हैं. तो सबसे पहले मैं अपने क्लॉथ्स दिखाऊंगी कि मैंने क्लॉथ्स में क्या क्या रखा है. एंड जो गाइस, जो भी मैंने क्लॉथ्स रखे हैं, ये मैंने रिसेंटली लिए हुए हैं, कुछ ऑनलाइन परचेस किए थे एंड कुछ जो मेरे पास पहले से थे. तो जो मैंने कुछ क्लॉथ्स लिए हैं, मैं उनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी कि मैंने ये कहाँ से परचेस किया था. तो फर्स्ट में ये ऑरेंज जंप सूट, जब हम अगर सी साइड पर जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे ही फंकी कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं, ऐसे ब्राइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं वहाँ पर, जैसे ऑरेंज लाइट ग्रीन और ब्लू लाइट ब्लू और येलो, इस टाइप के कलर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ब्राइट कलर. तो मैंने ये ऑरेंज कलर में ये जंप सूट लिया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. इसे मैंने मीशो से परचेस किया था एंड क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है. तो ये है हमारा जंप सूट. एंड देन सेकेंड है, मैंने ये ली है मिनी, जो बहुत प्यारी है. एंड ये जो है सी ब्लू कलर में है ये फ्रेस. एंड यहाँ पे शोल्डर में ये इस तरह से लेस लगी हुई है टाई करने के लिए. एंड इसका जो क्लॉथ्स है बहुत अच्छा है, और इस टाइप के सी साइड में क्लॉथ्स पहनने पे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो इसे भी मैंने मीशो से परचेस किया था. एंड ये दो बोथ साइड स्लिट कट में है, जो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है. मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया कि किस ड्रेस को मैं किस स्टाइल में पहनूंगी एंड किस तरह से स्टाइल करूँगी. तो ये सारे फोटोज़ एंड वीडियोज़, जो भी रील्स वगैरह मैं अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम में, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन में एंड डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगी. तो एंड जो नेक्स्ट मेरी ड्रेस है, वो भी फिरोजी कलर में है, बहुत प्यारी लगती है. ये फ्लावर प्रिंटेड में है. आप कभी भी अगर सी साइड पर जा रहे हैं ना, तो ऐसे फ्लोरल प्रिंट में जो भी हम ड्रेस लेते हैं ना एंड ब्राइट कलर में, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. एंड जो आपको क्लॉथ्स हैं वो कॉटन के लेने चाहिए वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतना सनलाइट रहता है, तो वहाँ पे कॉटन के कपड़े काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, स्टिकी नहीं लगते हैं. देन ये थर्ड है मेरी, ये फ्रॉक है, मेरी फ्रॉक है. तो ये पूरी फ्लावर प्रिंट में है. एंड दिस बैग, ये थोड़ा सिंक सा दिख रहा है, क्योंकि सारे कवर्ड में ऐसे ना, मैं मेरी आदत है कि जब मैं पहन के जल्दी से रख देती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता ना. एंड ये ड्रेसेस मेरी कुछ 4-5 महीने पहले की हैं, तो अभी इन सारी ड्रेसेस पे मुझे आयरन करना बाकी है, तो मैं सारे में अभी आयरन करूँगी. मैंने ये सेट लिया है, जिसमें ये मिलेगा आपको शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स है. एंड इसका ये अपर साइड टॉप है, ये कुछ इस तरह से है, लुक इट. तो ये भी मैंने अपने यहाँ के लोकल मार्केट से लिया था. तो गाइज, मैंने लिए हैं 3 टॉप एंड ये है मेरे 3 टॉप. मैंने ज़्यादा टॉप्स नहीं लिए हैं, ज़्यादा ड्रेसेस नहीं रखी, क्योंकि मैं जा रही हूँ 4 डेज ट्रिप के लिए, तो मैंने ज़्यादा अपना क्लॉथ्स नहीं रखे हैं. एंड ये 3 टॉप लिए हैं मैंने, काफ़ी लाइट वेट में है. एंड ये एक सैटन का टॉप है, ये मेरे पहले का टॉप है, मैंने इसे पहना नहीं है अभी तक ज़्यादा, मतलब एक ही बार बस पहना है. तो इसे मैं नाइट में पहनने के लिए लेके जा रही हूँ. देन मेरा ये है स्कार्फ टॉप, जिसे मैं बीच में पहनूंगी, काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरह का प्रिंट. तो ये मेरा स्कार्फ टॉप है, इसे भी मैंने अपने लोकल मार्केट से परचेस किया था. एंड देन ये है हमारा एक टैंक टॉप, जो कि फ्लावर प्रिंट में है, लुक इट गाइस. तो इन्हें मैं, इन सारे टॉप को मैं अपने शॉर्ट के साथ वेयर करूँगी. तो मैंने 3 शॉर्ट्स रखे हैं अपने साथ. ये है शॉर्ट्स, ये मैंने कॉम्बो सेट लिए थे मीशो से, और मीशो में कॉम्बो सेट में येलो के साथ यही कलर मिल रहा था, बाकी मुझे दूसरा कलर लेना था, पर येलो ही लेना था, येलो मुझे लेना था, तो इसकी वजह से मुझे ये वाला शॉर्ट्स लेना पड़ा. शॉर्ट्स हैं, और यहाँ पे टाई करने के लिए इस तरह से लेसेस दी गई हुई हैं, तो ये दोनों फिट एक जैसे हैं. एंड जो मेरा नेक्स्ट शॉर्ट्स है वो जींस में है, शॉर्ट्स रख लिए हैं. इन सबको मैं अपने टॉप्स के साथ वेयर करूँगी. मैंने नेक्स्ट ली है एक वाइट शर्ट, क्योंकि अपन इतने ज़्यादा शॉर्ट्स एंड डीप नेक वाले ड्रेसेस वेयर करेंगे, तो फिर थोड़ा सा सनलाइट का इफेक्ट तो पड़ेगा. तो उन सब के लिए मैंने श्रग रखे हुए हैं. एंड और श्रग से थोड़ा, जो श्रग जैसा ही काम करता है, तो मैंने एक लॉन्ग शर्ट ली है वाइट कलर में, ये भी मैंने मीशो से परचेस की थी. गाइस, सी साइड में ना श्रग बहुत काम देता है, तो ऐसे में मैंने 3 श्रग रखे हैं अपने साथ. ये जो मैंने श्रग लिए हैं, ये मेरे पहले के श्रग थे,
तो मैंने अभी कुछ नया नहीं परचेज किया है श्रग में, तो ये मेरा फर्स्ट श्रग है एंड देन सेकेंड एंड एक ये येलो कलर में श्रग है। नेक्स्ट है इनर वेयर एंड इन ड्रेसेस के साथ इनर वेयर काफ़ी कंपल्सरी होती है, तो मैंने ये दो शॉर्ट्स लिए हैं ब्लैक एंड वाइट में। मैंने स्किन कलर में नहीं लिए हैं शॉर्ट्स क्योंकि वो काफ़ी अजीब सा लगता है। एंड ये दो मैंने ब्रास लिए हैं स्किन कलर में, स्ट्रिपलेस हैं। वो स्टॉल लिए हैं कलरफुल में जो काफ़ी अच्छे लगेंगे एंड अट्रैक्टिव लुक आता है। सो गाइस नेक्स्ट जो हमें फुटवेयर चाहिए होते हैं, तो सी साइड में हमें ऐसे फुटवेयर यूज़ करने चाहिए, शूज़ तो बिल्कुल नहीं और हील्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रेत रहती है तो उसमें आपके शूज़ एंड पानी में भी ख़राब हो जाएंगे। तो सैंडल एंड शूज़ तो बिल्कुल भी अपने साथ कैरी नहीं करना है। ऐसे फ्लैट में मैं दिखाती हूँ आपको, आपको फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स लेनी है, स्लीपर लेनी है। तो एक ये मैंने फ्लिप फ्लॉप स्लीपर ली है पिंक कलर में एंड एक ये है ब्राउन कलर में, जो काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगी। आप पूरा दिन इनको पहन के घूम सकते हो, आप थकोगे भी नहीं, और हील्स और शूज में तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे पूरा दिन घूमना। तो मैंने ऐसे ये फ्लिप फ्लॉप सैंडल्स रख ली, सॉरी स्लीपर रख ली हैं, और मैं सैंडल्स एक भी लेकर नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। बाकी आपकी चॉइस है कि आप अपने साथ क्या कैरी करना चाहते हो, पर इस तरह की रबर वाली स्लीपर्स आपको ज़रूर अपने साथ कैरी करनी है, चाहे एक करो, और मैंने दो ले ली हैं। मेकअप के लिए मैंने ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया है क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है कि आपका मेकअप वहाँ पे रुकेगा नहीं, और अगर आपने ज़्यादा हैवी मेकअप कर लिया ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा सा लगेगा आपका फेस। इससे अच्छा आप कम मेकअप कीजिए। तो मैंने मेकअप के लिए बहुत ही कम सामान लिया है, जिसमें से मैंने सीसी क्रीम लिया है, आईलाइनर लिया है एंड मस्कारा लिया है, और एक लिपस्टिक ले लिया है। इस लिपस्टिक को मैं हर उसमें लगाऊंगी, हर दिन लगाऊंगी क्योंकि ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है एंड काफ़ी वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, और मेरे इससे लिप्स भी ना बिल्कुल भी और ख़राब नहीं होते हैं। और इसे मैंने स्मिटन से लिया था। मैंने चार चीज़ें अपने मेकअप के लिए रख ली है, देन मैंने रिलेटेड स्किन केयर से रिलेटेड आपको ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो सनस्क्रीन, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर सनलाइट रहती है, अगर आपको सन टैनिंग से बच रही है तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी पड़ेगी। तो मैंने ये सनस्क्रीन रखी है। मेरा स्किन प्रॉब्लम है तो मैं डॉक्टर की एडवाइस के बिना सनस्क्रीन नहीं यूज़ करती हूँ, तो ये मेडिकेटेड सनस्क्रीन है। तो ये इस तरह के मैंने ये 3-4 पैकेट्स रख लिए हैं सनस्क्रीन के। देन सेकेंड है ये मॉइस्चराइजर एंड फेस सीरम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। एंड रोज़ वाटर गाइज, ये रोज़ वाटर बहुत अच्छा काम करता है। जब भी टायर्ड फील हो ना, आप स्प्रे कर लो, काफ़ी मतलब रिलैक्स मिलता है। तो जब मैं नाइट में घूम फिर कराऊंगी ना तो बढ़िया स्प्रे कर लूँगी। मैंने लिए एलोवेरा जेल लिया है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल करता है हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। एंड नेक्स्ट ये है बॉडी लोशन, जो कि वहाँ पे आप पूरा दिन धूप में एंड नहाने के बाद आप जब बीच से निकलोगे ना तो आपकी स्किन के जो हाल होने वाले हैं ना बहुत बुरे होने वाले हैं, तो उसके लिए बॉडी लोशन रखना ज़रूरी होता है। एंड गाइस मैंने ली ये विटामिन सी टैबलेट, जो हमें पूरा दिन फ्रेश फील कराएगा, इम्यूनिटी मिलेगी, तो इसे भी मैंने अपने साथ कैरी कर लिया। एंड ये मैंने लिया है कुछ छोटे छोटे ये सैंपल वाले परफ्यूम, इसे भी मैंने स्मिटन से परचेस किया था। ये काफ़ी अच्छे होते हैं ना सफ़र में ऐसे कैरी करने के लिए, इतने छोटे छोटे। एंड एक लिप बॉम रखा है और एक नेल पेंट रखा है एंड एक छोटा सा मिरर रखा है एंड एक ये ब्रश रखा है। तो इस छोटे से मेकअप पाउच में मेरा सारा प्रोडक्ट आ गया है, स्किन केयर, मेकअप एंड और टॉयलेटरी आइटम में आपको अपने फेस वॉश रखा है, रेजर रखा है एंड बॉडी शैम्पू रखे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंपलसरी रखती है, आप वो रख सकते हो। तो मैंने ये रख लिया है, मैंने शैम्पू भी रख लिया है, छोटू सा एसेसरीज में मैंने ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किया है। ये मेरा छोटा सा पाउच है, ये गाइस पाउच नहीं है, ये मेरा पर्स है, तो ये मेरे एसेसरीज भी रखने के काम आ जाएगा, एज अ पर्स भी यूज़ होने वाला है। इसे मैंने अपने मीशो से परचेस किया था। कलरफुल टॉप्स हैं गाइस, लुक इट, ये टॉप्स मेरे हर ड्रेस के साथ मैच करने वाले हैं, और इसे भी मैंने मीशो से परचेस किया था। एंड ये यहाँ पे कुछ बीट्स हैं, ये छोटी छोटी बीट्स हैं, ये मेरी पहले की रखी हुई थी तो इतनी बची हुई हैं, तो इन्हें भी मैंने अपने साथ रख लिया है कि अगर मूड किया तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने हेयर में। बाकी मैंने कुछ सामान यहाँ पे पेंडिंग कर दिया है क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखे थे, वहाँ के भी मार्केट में बहुत प्यारे प्यारे सामान मिलते हैं, तो कुछ मैं वहाँ से परचेस करने वाली हूँ। जैसे हेयर स्कार्फ गाइस बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और ऐसे ही प्लेसेस में हेयर स्कार्फ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मैं वहाँ पे जाके देखूँगी ज़रूर हेयर स्कार्फ को। तो मैंने गले में पहनने के लिए ये छोटे छोटे से नेकलेस लिए हैं, तो मैं इसे ओपन नहीं करूँगी, आपको ऐसे एज अ पिक्चर दिखा दूँगी इसकी। ये चार के सेट में है, इसे मैंने 300 से परचेस किया था। तो ये एंकलेट लेकर जा रही हूँ, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। मैंने काफ़ी लिमिटेड एसेसरीज रखी है अपने साथ जो मुझे कंफर्टेबल लगती है। 3 मैंने गॉगल्स रखे हैं, और एक ब्लू में है और एक ब्लैक में है।
मैंने ये स्ट्रेटनर क्रिम्पर एंड कर्लर रखा है, 3 in 1 है वेगा का, तो इसे मैंने रख लिया है। ये मेरे और तीनों हेयर स्टाइल के लिए काफ़ी अच्छा है। सो गाइस, पर्स में मैंने ये 2 स्लिंग बैग रखे हैं, एक ये व्हाइट कलर है जो हर ड्रेस के साथ मैच करेगा, तो ये व्हाइट कलर में रख लिया है। एंड मैंने जैसे पहले बताया था कि एक ये मेरा बॉक्स स्लिंग बैग है, मल्टी कलर में है, इसे स्लिंग करने के लिए बेल्ट है, तो इसका मैंने ये भी निकाल दिया है। यही पर्स मैं लेकर जाऊंगी एंड वहाँ का कुछ मुझे अच्छा लगेगा तो वहाँ पे भी शॉपिंग करूंगी, तो मैं ज़्यादा अपने साथ ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर रही हूँ। ओवरऑल गाइस, ये था मेरा कुछ पैकेजिंग सामान। अगर मैंने अपनी तरफ से पैकिंग कर ली है और अगर कल मुझे सुबह तक कुछ याद आता है तो मैं उसे भी रख लूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।